नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर चहलकदमी तेज हो गई है। एआरआई न्यूज अपने दर्शकों को विभिन्न पंचायतों से भावी प्रत्याशियों के साक्षात्कार दिखा रहा है, ताकि लोग उनके विजन को जान समझकर अपना फैसला कर सकें। इसी क्रम में आज हम पहुंचे सीवान जिले की सिसवा कला पंचायत, जहां से भानुमती देवी भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। भानुमती देवी का पूरा परिवार समाज सेवा से जुड़ा है। एआरआई न्यूज ने सिसवा कला पंचायत से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर उनके परिवार से खास बातचीत की। एआरआई न्यूज में के सभी आप लोग प्रतिनिधियों का नमस्कार, सभी जनता जनार्दन नमस्कार। देखिए, हम एक शिक्षित हैं जी, तो मेरा उद्देश्य ज़्यादा यही रहेगा कि बच्चों को शिक्षित किया जाए। अगर बच्चे शिक्षित रहेंगे, शिक्षित होंगे, तो अगर शिक्षित हो जब बच्चे होंगे तो समाज का भी विकास होगा, समाज का भी विकास होगा। वैसे हमारे पंचायत में 10वीं कक्षा तक मैंने उच्च विद्यालय हैं, लेकिन कोशिश रहेगा सरकार के माध्यम से या निजी संस्थाओं के माध्यम से ऊंच स्नातक या ऊंच स्तरीय विद्यालयों की स्थापना कराने की, ताकि बच्चे देश के ही भविष्य हैं और वे कर्णधार हैं। वे जब उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे तो वे अपने आवश्यकताओं को, अपने मूलभूत जरूरतों को उनको महसूस होगा और उनको पूरा कर पाएंगे। दूसरी बात कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं, या मैं आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाता हूं, आप लोगों के चैनल के माध्यम से समस्त सिसवा पंचायत के जनता जनार्दन को भी यह वादा और पूरा विश्वास दिलाता हूं, देता हूं कि मैं खरे उतरूं और आपके कार्य को मैं संचालन सही सलामत करूं, ताकि आगे आपका जो विकास का समय रहे वह अग्रणी रहे, जिला राज्य स्तर में अग्रणी रहे। और स्वास्थ्य की भी जो भी सुविधाएं हैं उनमें कोशिश रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ति कर पाए, असुविधा ना हो। नल जल की जो योजनाएं हैं ये सभी अभी घर में नल की व्यवस्था नहीं हो पाया है, कोशिश रहेगा कि जितने के पहले ही काम में ये जो नल जल की छुट्टी हुई कार्यों को पूरा करें। मैं पेशा से होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, तो पहले मेरा कोशिश रहेगा कि जो स्वास्थ्य में जो कमियां हैं या अपने स्तर से स्वास्थ्य की जो व्यवस्था करनी हो यह पूरा करें, ताकि जो जनता को दिक्कत हो रही है उसको दिक्कत ना हो। तो स्वास्थ्य के लिए दवा और इलाज की निःशुल्क व्यवस्था के लिए व्यवस्था किया जाएगा अपने पंचायत। हाँ, और इसके बाद जितने भी वंचित लोग हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्तता पेंशन, ये सभी को बिना परेशानी से कि परेशानी ना हो उनको मिल सके। उसके बाद बिजली के जो भी दिक्कतें आ रही है पंचायत में, बिजली कनेक्शन या गैस कनेक्शन की समुचित निःशुल्क व्यवस्था करने के लिए यह हमारी ये कोशिश रहेगी। और इंदिरा आवास अंत्योदय योजना का लाभ उपयुक्त लाभार्थियों को मिले, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। अब प्रत्येक वार्ड में सड़क नाली की समुचित व्यवस्था, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए घर घर हस्तकरघा तथा अन्य लघु कुटीर उद्योगों को व्यवस्था का दिलवाने का काम करेंगे, और निसहायकों को यथासंभव आर्थिक सहायता जैसे शादी
आकस्मिक दुर्घटनाओं इस सभी में कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्तर से दिलवाने का प्रयास करेंगे। तो सभी क्षेत्रों में पढ़ाई से लेकर शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य के सभी क्षेत्रों में जो भी अपने स्तर से होगा वह प्रयास किया जाएगा। डॉक्टर साहब के भतीजे के पास हम परिचय जानना चाहते हैं। सबसे पहले एराइज न्यूज को नमस्कार। एराइज न्यूज के सभी सदस्यों को मैं नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि सिसवा के जनता की आवाज वो पूरे दुनिया में फैलाने के लिए हमारे पास आए हुए हैं। इसके बाद सिसवा ग्राम पंचायत के सभी जनता जनार्दन को मेरा नमस्कार। मैं अपना परिचय, मेरा नाम अखिलेश कुमार है, डॉक्टर साहब का मैं भतीजा हूँ और मेरी माँ जो कि भावी मुखिया प्रत्याशी भानुमती देवी हैं जी। देखिए, जब मैं पिछले लॉकडाउन में यहाँ पे आया था तो यहाँ मैंने युवाओं को देखा कि युवा काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है, उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, ना पढ़ाई के लिए ना खेल कूद के लिए, और उनको कोई दिशा ना दशा, जो भी मुखिया जी है चाहे जो भी समाज सेवी हैं, उन लोगों का कोई उन पर ध्यान नहीं है। और हम सभी जानते हैं कि युवा पीढ़ी ही हमारे समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर युवा बिखर गया तो हमारा समाज बिखरेगा, और समाज बिखरेगा तो हमारा देश बिखर जाएगा। तो उस समय मैंने क्या किया कि सारे युवाओं को एकत्रित किया और उनमें मैंने संदेश डाला कि देखो, शिक्षा ही हमारा सबसे मेन हथियार है। शिक्षा एक ऐसा अधिकार हथियार है जो कि हमारे पास हमेशा रहेगा। मैंने उनको लॉकडाउन में ज्ञान दिया, शिक्षा मैंने करीब 6 महीने 7 महीने मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया, ये एक समाज सेवा के तहत है। उसके बाद युवाओं का चूंकि पढ़ाई के साथ तो हमारा कुछ शारीरिक विकास भी होना चाहिए, कुछ खेल कूद में भी उनका रुचि मैंने बढ़ाया, और कबड्डी जो कि हमारे यहाँ पूरे इधर एरिया में कहीं कभी नहीं हुआ था, मैंने कबड्डी का एक बहुत बड़ा आयोजन किया जिसमें बहुत दूर दूर से जैसे भागर हो गया, सिसवन हो गया, रघुनाथपुर हो गया, इन सारे जगहों से बच्चे आए और खेला। जब उन्होंने पहली बार इस चीज़ को देखा तो उनके मन में बहुत अच्छा लगा और युवा पीढ़ी उत्साहित हुए। इससे युवा पीढ़ी का भी अपने अंदर मान लीजिए उनका शारीरिक विकास हुआ, मानसिक विकास हुआ, जिससे कि वो समाज में समझ सके कि ये भी चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। युवा पीढ़ी फ्रस्ट्रेटेड होकर आजकल सिर्फ मोबाइल के अंदर ही घुसी हुई है क्योंकि उनको कोई मार्गदर्शित नहीं कर रहा है, और ये हमारे समाज के लिए सबसे बुरी चीज़ है। तो मैंने उस चीज़ को तोड़ा और युवाओं को शिक्षा और शारीरिक विकास की तरफ उनको मोड़ा। इससे युवाओं का काफ़ी सपोर्ट मिला, और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर यहाँ की जनता जनार्दन अगर मेरे माता श्री भानुमती जी को, भानुमती देवी जी को जिताती हैं, तो मैं युवा पीढ़ी के लिए बहुत कुछ करने वाला हूँ। और इसके प्रयास में मैंने जो कि अभी तो मान लीजिए गेहूं का फसल चल रहा है, हम लोग देहात एरिया में है, तो जैसे ही गेहूं का फसल कटने वाला है, मैंने जो मखनीपुर के पास एक जगह है हमारा, वहाँ पे मैंने युवा पीढ़ी के लिए क्रिकेट का बहुत बड़ा ग्राउंड बनाने का फैसला लिया है। बहुत अच्छा। और जैसे ही ये गेहूं का कटनी पूरा होता है मैं वो कार्य आरम्भ कर दूंगा। युवाओं का अपने ग्रामीण को क्या सेवा देना चाहते? देखिए, मेरा जो संदेश है युवा पीढ़ी को, जो मैं संदेश देना चाहता हूँ या जितने भी हमारे मतदाता हैं, मैं अगर माँ जी जीतती हैं तो मेरा यही संदेश रहेगा कि सारे युवा पीढ़ी को मैं यूनिटाइज करूँ, उनको खेल कूद के प्रति, पढ़ाई के प्रति, और जितने भी मतदाता हमारे हैं उनको एक सही रास्ते पर सही मार्ग दर्शन करने का काम करूँगा। जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं उन लोगों के लिए मैं कोशिश करूँगा कि योग और व्यायाम की व्यवस्था मैं कर सकूँ, ताकि हमारे जो हमारे बुजुर्ग हैं वो स्वस्थ रह सकें। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सभी हमें आशीर्वाद दें और माता जी श्री भानुमती देवी को विजयी बनाएं, ताकि हम ये सारे जो मेरी सोच है, जो मेरे मन में चल रहा है, इन सब को धरातल पे ला सकूं। धन्यवाद।